ढकलो झगड़ लो उसको तेज के साथ में चल लगा पूरी ताकत लगा और जोर से लगा पूरी ताकत लगा जोर से और जोर से लगा पूरी ताकत काट दूंगा तेरे दोनों हाथ काट दूंगा जोर से झकड़ो उसको अंदर से तेजी के साथ में लाओ बाहर से जंजीरों और बंधा लो उसको जंजीरों से और मार मार के चिंदा करो उसको तोड़ देंगे उसके हाथा वाता सब काट के ले लेंगे आग लगा के लगा पूरी ताकत लगा फिर जोर से जलाओ उसको और तेजी से आग लगाओ उसके अंदर जला जला उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुम लैलल क़लील निसफ़हु अव इन्क़ुस मिन्हु क़लील عوزدا ليرة القرآن ترطل الناس نبخل خمس قيل إن ناشر الله يشب وطمع قيل قيل من لغفلنا حال صباحا تبيل أضحك ربك والله رب المشر المغلع وطمع على إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم
كما أرسلنا إليك الرسول بعد يوم الرسول فأخذكم كيف تطلقون يوم يجي कितने साल से परेशान कर रहा हो बच्ची को कब मारने वाला था अम्मास की कुंडम में अम्मास को और से अम्मास को कब मारने वाला था अम्मास कैसा मारने वाला था बीमारी डाल के एक्सीडेंट करके सुसाइड करा के कैसा बीमारी कैसा पैर से हाँ क्या करने वाला था पैर से क्या जल्दी बोल पकड़ दूंगा पूरा काट दू पूरा जोर से पूरी ताकत लगा बच्ची पे जादू चला दो क्या लिख गए थे नींबू कैमरा नजदीक चला रहे क्या लेके थे बच्ची पे जादू करते वक्त नींबू क्या नींबू ली जाके जादू चलाए बाल हाँ जलाओ जलाओ उसके हाथ में आग लगा कैसे जलाओ उसको नामखून बदबख्त जलाओ कब लिख गए थे कितना टाइम हो रहा लिख जाके चार महीने अच्छा और तू इसके अंग पे कितने दिन से हाजिर हो रहा कितने महीनों से हाजिर हो रहा दो अम्मा से हाजिर हो रहा इसको फाइनल डेट कब ले जाने वाला था हमारे साथ में चारों अम्मा को अच्छा डायरेक्ट अचानक मार के हमला करके ले जाने वाला था अच्छा ये बच्ची के बाद इसके घर में से और किसको मारने वाला था बच्ची इसके बाद किसको इसकी बच्ची को क्या नाम है उसका अर्शिया अब उसको कैसे मारने वाला था इसको उसका खुद गिर के मरने वाली अच्छा उसके बाद और किसको मारने वाला था उतना जी जल्दी बता उतना जी अच्छा इसके ससुराल की तरफ के लोग लाए मायके की तरफ के लाए ससुराल की तरफ अच्छा इसका जादू चलाते वक्त क्या लेकर गए थे कपड़ा और चप्पल और बाल अच्छा कपड़ा औरत ने लिख गए आदमी लग गया औरत चप्पल औरत ने लिख गए आदमी लग गया बाल औरत ने लिख गए आदमी लग गया औरत अच्छा इसके ससुराल की तरफ की मायके की तरफ की ससुराल की तरफ ससुराल के दुश्मनी क्या थी पता नहीं नाम पूछूं दो मिनट औरत और कौन है उसके साथ मिली अली बशीर अनीसा गौसिया और कितने लोग उसके सेठ क्या दुश्मनी से जादू करे क्या दुश्मनी से जादू करे उसपे बेटा को दूर करने के क्या करने को उसका बेटा को वापस लेकर लिए अच्छा
कब मारने वाले थे इसको? फाइनल मार देने का था। किस चीज में मिला खिलाए थे इसको दवा? चपाती अंडा खा रहे। चपाती अंडा खा रहे। अच्छा, और इसके बाप पे भाइयों पे मरद पे कुछ करे क्या? भाई पर... क्या बोल के करे? नुकसान पहुँचाना। फिर उसको मार देने वाले क्या? नहीं नहीं। हाँ, बर्बाद कर करके बर्बाद कर करके लास्ट में गला के मारने का है। नहीं, उसको लग से पहुंचा। अच्छा, दवाई बर्बादी करके भीख को लगा देने का उसको? उसको भी खिलाए? नहीं, उसको नहीं खिलाए। और चलो उसको नाला को काला पत्थर लो, जकड़ो उसको तेजी के साथ में और तेजी से। जलाओ 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 इसके अंदर आग लगाओ नाला तेजी के साथ में। जलाओ जलाओ उसको तेज जलाओ। जलाओ उसको और तेजी से। जलाओ उसको तेजी के साथ में। तोबा तोबा कर जल्दी मुंह पे मार के छोड़ते ना, तेरे हाथ आऊं उखाड़ देता हूं अभी। तुझे कहां से लाई थी? उन्हें शमशान से लाई, खबरस्तान से लाई? जोर से खबरस्तान। जादूगर को कितने पैसे दिए सुते को लाते टाइम पे? 10,000। और दिए बाद में? कितने बार दिए पैसे? दो बार। कितने कितने? उसके भाई पे जादू चलाते टाइम पे कितने दिए? दोनों को 10,000 दिए। अच्छा, जकड़ो उसको और तेज के साथ में। घर पे क्या परेशान कर रहा था उन्हें हाजिर होके? हाजिर हुआ घर पे? सवाल जवाब क्या कर रहा था? कुछ कर रहा था? दूसरा सुसाइड ठीक है, जकड़ो उसको नाला को, जकड़ लो उसको तेज साथ में। फाबी आई रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम खुदा की कौन कौन सी नियामतों को झुठलाओगे? देखो अल्लाह ने कैसे चीजें क्या क्या बना कर रखे। चलो ये पत्थर में ताकत भरो और इसको काटने की तैयारी करो। तलवार से कसक काट के दो टुकड़े करते हो, उसे पत्थर से इसको काट के इसके अंदर आग लगाओ। चलाओ नाला को, चलाओ तेज से। चलाओ 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 उसको तेज से। कट रही है, एक मिनट। काट के लूं, दो टुकड़े करूं, चीर दूं पूरा? चल रहा वैसा करेंगे दोबारा परेशान? नहीं करूंगी। जादू चलेंगे उनके घर पे? करेंगी जादू? चल तो बता कर जल्दी, मुझे मार हाथ, दोनों हाथ मार, दोनों कर जल्दी। तो बोल तो बाबा अल्डा के अल्डा के अल्डा के अल्डा के जोर से जोर से सामान पेट में नीचे सामान से बोल। तो बाबा सुने नहीं आ रहा मुझे, मार गए करेंगे परेशान? नहीं करेंगे। करेंगी जादू? नहीं करेंगे। चलो उसको मार मार के खत्म कराओ, और उसके टुकड़ा कराओ, उसके नाला के दोबारा अगर मुझे दिखा उसके अंदर होने उसके साथियां सब, तो सारे साथियों को मारो पकड़ के।
चल भाग भाग भाग, दोबारा दिखना नहीं मुझे। कम भगत मेरे। ए तू सीधा कैमरा पकड़ के खड़े रहना, वो आदत हो रही क्या नचाने की कैमरे को? क्या नाम है उसका? चश्मा 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 हाँ चश्मा अरे क्या होगा बोलो, मुंह पे कपड़ा डालो। अरे क्या होगा यार, किसको ने वो पानी दोनों की नजर लाऊं? इधर से आ रहे कैमरे वाले। ऐसा ऐसा रहना पड़ता, सारी दास्तान है एक दूसरे पे, जादू टोने करेंगे तो क्या होगा? बोलने को अल्फाज नहीं, बेगैरत लोगों शर्म करो, बहुत सारे बातें हैं। तुम क्या सोच के एक दूसरे पे जादू टोने कर रहे थे? शेर को सवा शेर ने रखा क्या अल्लाह ने? दुनिया के अंदर अल्लाह का निजाम है और अल्लाह की हुकूमत चलती, मनमानियां करेंगे जादू टोने करेंगे तो शिरक हो रही हो दास्तान। इबादतों से तुम्हारे अकीदे हटके जादूगर की तरफ जा रहे, इसको शिरक बोलते। दरगाह पे जाना शिरक नहीं है, दरगाह पे जाने से तो रहमत और अजमत बरसती है अल्लाह की, क्योंकि वो अल्लाह के वास्ते मिट गए और मिटा दिए वाला खानदान है। आले रसूल औलाद अली लोगों का पूरा घराना है हमारा, अब तुम उनको अगर बुरा बोलेंगे तो कमीनो तुम्हारे जहन्नुम में भी जगह मिलती क्या नहीं मिलती? कहाँ ले जाकर डालते तुम्हारे को क्या मालूम? जन्नत तो तुम्हारी है ही नहीं, और ना तुमको जन्नत मिलने आ रही। अगर तुम ऐसे जादू टोनों पर रस्तों को जाएंगे, बुजुर्गान दीन को बुरा बोलेंगे तो, और अल्लाह की राह में और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो तो फिर तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी बन जाएगी। तुम्हारे जादू टोने की कोई औकात नहीं है, सिर्फ मामूली पत्थरों के सामने औकात नहीं है। शैतान पनाह मांग रहा, उसको काट दे रहे थे पत्थर से, कितने अल्लाह ने तासीर रखा। और ये पत्थर जो है तो ये नियामतें हैं अल्लाह की, मगर ये पत्थर में कैसा पावर भरना और उसमें कैसा पावर भर के उसको कैसा पावरफुल बना के तुम्हारी बंदिश का तुम्हारी हिफाजत किया, तुम्हारे नजीक देना, तो किसी को इल्म नहीं आता। इल्म अल्लाह जिसको सिखाता बहुत कम है दुनिया के अंदर, लोग गिने चुने बहुत सारे मुट्ठी भर गिने होंगे। बता दिया ना मैंने सामने, तुम्हारे सामने बताया कैसी दास्तान है और कैसी ताकत है। तो पढ़ के पत्थर में भी बेजान, पत्थर में भी अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के कलाम की ताकत से ऐसी ताकत भर देते कि शैतान तुम्हारे सामने पनाह मांग रहा ना उससे काट दे रहे। तो ये सब बातें ये जब बना के तुम पहनेंगे तुम्हारे पास महफूज रहेंगी, तुम्हारी हिफाजत भी रहेंगी, और दूसरी बात कोई ये जादू टोना भी तुम्हारे अपने चला सकेगा। और इबादत का मामूल बनाओ घर के अंदर और भी अच्छे से, अगर तुम इबादत ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो फिर तुम्हारे पे कोई जादू टोना नहीं चला सकता, और चलाया तो उन जगह पे बेमौत मर जाएगा अगर तुम वाकई में बहुत इबादत करने वाले रहे तो। और तुम अगर बंडलबाजी की बात कर रहे, इबादत नहीं कर रहे, झूठे बात सिगरेटा बीड़िया पी रहे, अब क्या गालियां दे रहे, गलौजा कर रहे, तो ये सब 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 बातें बहुत बेकार है। और तुम लोग फिर क्या बोलते तो वाकई में जहन्नुम के हकदार हो जाएंगे, दुनिया भी तुम्हारी जहन्नुम बन जाएगी, आखिरत भी जहन्नुम बन जाएगी। इबादत करने वाली की दुनिया भी जन्नत बन जाती है, आखिरत भी जन्नत बन जाती, मगर मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना। तो बोले अल्लाह कैद खाने का मतलब ये है कि तुमको इबादतों के दायरे में कैद करने वाला है। तुम इबादत करेंगे तो सिगरेट नहीं पी सकते, बीड़ी नहीं पी सकते, दारू नहीं पी सकते, ये सब चीजों से तुम कैद में अल्लाह की, ये सब चीजें तुमको आजादी पे रोक लगा दिया है तुम्हारे, तो ये है कैद खाना। इबादत करेंगे तो दुनिया तो जन्नत बनेगी और आखिरत भी जन्नत में मिलेगी ना। कैद खाने का मतलब ये है, ये नहीं कि दुनिया मुमिन के लिए कैद खाना है तो इसका मतलब यहाँ पे हम आपको सूच मिलेंगे जुलूमन, वहां जाने के बाद जन्नत मिलेंगे अभी अकल के अंदर। उसका मतलब ये है कि दुनिया तुम्हारे लिए कैद खाना, तुम्हारे पीने पे पाबंदी, दारू शराब सिगरेट गुटखा अय्याशियां नाच गाने पे पाबंद है तुम्हारे, और इबादत करेगी दूसरे मामले में दुनिया जन्नत बन जाएगी। जन्नत नियामत है अल्लाह की, हर मामले में नियामत दे रहा अल्लाह, तुम्हारे शादियां करा के दे रहा, तुम्हारे औलाद दे रहा, बच्चे नवासे पोतरे पात्रियां खाना पीना रहन घर सुकून ठंडी छाव धूप हर चीज ही अल्लाह की नियामत है। फिर रब्बी को मातु का जीवाना, और तुम खुदा की कौन कौन सी नियामतों को जुट लाओगे? इसका भी जिक्र है कुरान के अंदर, ये भी क्या चीज है, ये पत्थर पहनने से ये भी नियामत फरमा दिया अल्लाह ने, मूंगा वो मोती हमने तुम्हारे लिए बनाए। फिर कहाँ से शिर्क के झंडे लेके नाच रहे, समझो अकल से पैदल लोगों, ये सब बातों पे अमल करेंगे तो तुम बहुत ज्यादा तरक्की होंगी दुनिया में और आखिरत सब बन जाएगी तुम्हारी। और इबादत का मामूल बनाना घर के अंदर, कैसा मामूल बनाना मैं तुम्हारे को सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ कि शाम ईशा की नमाज के बाद में पूरी फैमिली को लेके बैठना और उसे सूरह यासीन एक झने जोर से खिरात से पढ़ना,
सब लोग ने सुनना, फिर उसके बाद में सो जाना, तो रात भर यकीनन खुदा की कसम और रब्बे काबा तुम्हारी हिफाजत करेगा, और उस रात के पूरे लम्हात में कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकेगा, ना कोई जानवर, ना कोई मूजी जानवर, ना कोई दो पैर का जानवर, ना चार पैर का जानवर, ना इंसान कोई तुम्हारा को, ना जमीन पर रेंगने वाला जानवर, और ना कोई जादू टोने की औकात जो तुम्हारा रात भर में सहमत दे सके बाल बराबर की। सिर्फ आएंगी तो तकदीर में मौत लिखी तो मौत आएंगी, बाकी कोई सहमत नहीं दे सकता। और तुम अगर सूरज निकलने के बाद फजर में बाद नमाज फजर के पूरे फैमिली को लेके बैठ के एक बार सूरह यासीन तो सुनाओ, घर के अंदर सा मामूल बनाओ कि सब बैठ के सब पढ़ रहे, और पढ़ के फिर सब लोगों को तुम बाहर जाओ, बोल जाओ अपने अपने जॉबों को, अपने अपने ड्यूटियों को, स्कूलों को सुन के जाओ, पहले एक बार सुना रहे दिन निकलते नमाज पढ़ के, तो फिर कसम खुदा की कसम उस रब काबा की कि तुम्हारे को जमीन और आसमान में कोई टेक्नोलॉजी, कोई कीड़ा, कोई पतंगा, कोई बम, कोई मिसाइल, कोई चीज तुम्हारे सहमत नहीं दे सकती, कोई चीज महफूज रहेंगे तुम महफूज, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया ना जिम्मेदारी लिया तुम्हारे हिफाजत की, और जब वो हिफाजत की ठान लेता तो फिर कौन तुम्हारा जहमत देने वाला है, कोई बेजान में भी दम नहीं है तुमको जहमत देने का, और जानदार में भी दम नहीं है, और अगर तुम उसकी हिफाजत में नहीं जाएंगे और उसको अपना निगेबान नहीं बनेंगे और दुनिया की सिक्योरिटी पर भरोसा करेंगे तो करोड़ों की भी सिक्योरिटी तुम लगा देंगे तो उसमें से भी आके मामूली मच्छर तुम्हारा काट के मार के चले जाएगा, मच्छर भी नहीं तो एक वायरस आएगा जो नहीं दिखने वाला, उन्हें आके तुम्हारे मार के चले जाएगा, कोरोना वो बोला फलाना ढंगा कुछ भी, और वही तुम अगर हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह पे सौंप देंगे वो सिक्योरिटी तुम्हें बचा सकेंगे तुम, अगर अल्लाह हर वक्त निगेबान है, अल्लाह हर चीज पे कादिर है, और अल्लाह तुमको बचेगा हर मामले में, हर मामले में अल्लाह कादिर है, हर मामले में अल्लाह की हुकूमत है, हर चीज पे अल्लाह की हुकूमत है। तुम जब अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में दे देंगे तो फिर तुम्हारे को पूरा दिन भर पूरी दुनिया में क्या भी हो जाने दो तुम्हारे बाल को धक्का नहीं लगने देंगे अल्लाह, कब तक सूरज डूबे तक, क्योंकि तुमने उसके सुपुर्द कर दिया ना अपने आप को। तो ऐसी बातें करो और ये नियामतें भी अल्लाह की ऐसे रखो, यूज करो ये सब बातें, मगर ये सबको बनाने तो नहीं आता, ये तुम्हारे को क्या बोलते तो देख लेना, मैंने तो दास्तान में बता दिया, जिसको देना है उसको मैं दूंगा, जिसको नहीं देना उसको नहीं दूंगा मैं, ठीक है। और दूसरी बात के बस कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सब अमल करने की तौफीक दे, और ये लगे वाला शैतान नहीं है, ये जादू टोने वाला, जादू टोने वाला अलग रहता, उसको जला जला के राख करना पड़ता अमलों के दौरान में, उतारों के दौरान में, जा बोलने से जाता नहीं, वो जब अमल करते तो उसको मेरी फौज काट के खत्म कर देती है अल्लाह के हुक्म से, जैसा कि अभी देखे ना इससे पहले की वीडियो में बहन वाला बच्चे को कैसा पागल होकर फिर रहा था भटक दे, तो कैसा लेके आया उसको घर पे रिटर्न, कई सालों से उसको उसका पता नहीं लग रहा था, तो वैसा सब राइट कराते हैं अल्लाह के हुक्म से, मगर हर चीज के तरीके रहते हैं, और अल्लाह सा डिश बोल के चमत्कार नहीं करता, सडनली ऐसा चमत्कार जाड़ी आ जा रहा उसको जादू करो बोलते हैं, सडनली लाके तुम्हारे हाथ में बता रहा था, और अल्लाह वाले बुजुर्गाने दीन ये सब इनके हाथ से मौजजात दिखते हैं, मौजजात अल्लाह के हुक्म से, तो अल्लाह वक्त आने पर इशारा देके बताने लगा था, अगर डायरेक्ट बताने नहीं लगा था, डायरेक्ट अगर बताने लगा दिया तो फिर जिसके हाथ से मौजजात निकल रहे उसकी बुत परस्ती होना चालू हो जाएंगी ना, तो वो सब बहुत मामले है, ये सब तुमको नहीं मालूम है, बहुत बाल से बारीक डिफिनेशन है थ्योरी है। मूसा अलैहिस्सलाम को उन्हें जब जुल्म दे रहा था तो उस वक्त का मौजजा बताया उन्होंने, जब अल्लाह को बताना रहा तो जब बताने लगाया फटाफट टाइम, उसके बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जगह पे मौजजा क्यों नहीं बताया, अल्लाह का हुक्म था ना, जहां अल्लाह का हुक्म हुआ अगर पहले वक्त पे बता दिए तो उनकी बुत परस्ती करेंगे ना लोग, तो वो निजाम इलाही होता, बहुत बाल से बारीक बात है, तुमको नहीं समझ सकते बातें सिर के ऊपर जाती, बारीक से बारीक स्टडियां करो, डिफिनेशन में जाओ, थेरियां पढ़ो, फिर तुमको समझ में आएंगे सब बातें क्या है। तो अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे, और ज्यादा से ज्यादा इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना। इधर लारे क्या मान लगे लग बन कर कहां से आए थे? विशाखापट्टनम से आए थे, आंध्र प्रदेश।